देखिए बात करेंगे अगर इसकी एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरीज जो होती है उनके लिए 250 से 500 तक की इसकी फीस होती है। तो जब भी आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है वहां पर आपको ये मेंशन होता है कितनी एप्लीकेशन फीस है उस साल। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होती है उनकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होती है। एग्जाम डेट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो जुलाई से सेप्टेम्बर के बीच में होते हैं इसके एग्जाम्स। देखिए अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम कैसे होते हैं, तो बेसिकली 4 लेवल पे आपके एग्जाम होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड होता है आपका स्किल टेस्ट यानी आपका इंटरव्यू लिया जाता है, थर्ड होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फोर्थ होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सारे ही स्टेप्स को देखिए अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अपने, तो बेसिकली 4 मेन सब्जेक्ट आते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। कौन कौन से होते हैं, देखिए जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अर्थमेटिक, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल एबिलिटी। अब ये देखिए ये तीनों ही जो होती है, ये तीनों ऊपर के जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ये 10-10 नंबर का इनका वेटेज होता है, और जो आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी यानी फार्मेसी है उससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको अपने फार्मेसी के सिलेबस पे। और बाकी ये जो जनरल साइंस है इसमें किस किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी हम अच्छे से जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपसे वो भी अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। तो ड्यूरेशन की अगर बात करें हम, तो टोटल 90 मिनट का आपका ये एग्जामिनेशन होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपकी, 1/3 मार्क्स आपके काटे जाते हैं हर गलत जवाब के लिए। अब देखिए जब आपने क्लियर कर लिया है अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो आपको बुलाया जाता है अपने स्किल टेस्ट यानी आपके इंटरव्यू के लिए। अब ये इस इंटरव्यू में क्या होता है, देखिए जो इंटरव्यूअर है ये चेक करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में है या नहीं बच्चों अच्छे से, और आप जो सुटेबल फार्मासिस्ट रोल है उसके लिए प्रॉपर सुटेबल आप है या नहीं। तो इनके कुछ अपने खुद के क्राइटेरियाज होते हैं जिन पे ये आपको मेजर करते हैं। वहां पर ये आपको जो कॉमन जो फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन वगैरह है ड्रग्स की वो पूछ सकते हैं बच्चों। तो अभी हम आपको बताएंगे फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के जो रेलवे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, तो उसको आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी अभी हम देखेंगे। तो इसमें हमने देखा देखिए इंटरव्यू के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए ये इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है ये आपसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे किस तरह का इंस्ट्रूमेंट कब यूज किया जाता है, डिजिटल थर्मामीटर कैसे यूज किया जाता है, और अगर नेबुलाइजर कैसे यूज किया जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे जो ये आपसे उस समय पूछ सकते हैं। फार्मा इंस्ट्रूमेंट यानी जो आपने लेबोरेटरी में इस्तेमाल की है चीजें तो उनके बारे में भी ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है इन तरह के क्वेश्चंस के लिए। फिर देखिए इंटरव्यू के बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसमें जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लेके जाने होते हैं, आपका डिप्लोमा का, डिग्री का, 10th और 12th का, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लेके जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर देखिए लास्ट में बारी आती है आपके मेडिकल टेस्ट की, तो कुछ इनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपको मीटअप करना होता है और आप अपॉइंट हो जाते हैं एज अ फार्मासिस्ट। मेडिकल टेस्ट अगर रेलवे फार्मासिस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा हार्ड आपका नहीं होता है, अगर हम आर्मी और इन सब की बात करें तो वहां पर काफी हार्ड आपका मेडिकल होता है, बट इसमें नॉर्मल सा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर एज अ फार्मासिस्ट आप अपॉइंट हो जाते हैं।